नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। आज का जो है हम ये मॉडल पेपर सेट सॉल्व करेंगे, सॉरी मॉडल पेपर सेट नहीं है, ये फाइनल एग्जाम है क्लास 11th एमपी बोर्ड का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 18, टाइम था 3 घंटे का और प्रिंटेड पेज 8 और मैक्सिमम मार्क 100 थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहले से 5 अंक तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो एक एक नंबर के थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रश्न 6 से 16 दो अंक निर्धारित थे, मतलब दो दो अंक के थे, ठीक है, और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पर चलिए अब पहला नेक्स्ट। प्रश्न रिक्त स्थान था, सरजू भैया को ठगने वाला था वो है सुदखोर। सरजू भैया को ठगने वाला सुदखोर था। दूसरा, सेनापति ने को ऋतुराज कहा है, तो सेनापति ने बसंत को ऋतुराज कहा है। दोहा चंद काव्य है मुक्तक, ठीक है। और आम के आम गुठलियों के दाम प्रचलित लोकोक्ति है, ये क्या है, एक लोकोक्ति है ये। और गरीबी मेरी शान कथन है का है भारतेंदु हरिश्चंद बाल मुकुंद गुप्त, तो इसमें है बाल मुकुंद गुप्त। नीचे आते हैं तो यहाँ पर सही विकल्प आ जाते हैं। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो ये सूर्य देवता से संबंधित। कर्मयोगी कहा गया है लाल बहादुर शास्त्री को, कर्मयोगी कहा गया। पंत जी नौका विहार करने गए चांदनी रात में, पंत जी नौका विहार करने के लिए गए। रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। है भोला राम का जीव, तो ये एक व्यंग है, क्या है ये, व्यंग। और महादेवी वर्मा ये क्या है, छायावाद की कवि है, ठीक है। और सवासीर गेहूं कहानी, सेनापति रीतिकाल, तुलसीदास भक्ति काव्य। तो और असत्य सत्य में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, असत्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गरीबों के मसीहा थे, सत्य। कजरी ग्रीष्म ऋतु में गाई जाती है, असत्य। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, असत्य। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ये सत्य है, ठीक है। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है, प्रसाद गुण में। बंदी पिता का पत्र किस जेल से लिखा गया था, नैनी सेंट्रल जेल। नीरा की माँ का नाम क्या था, कुलसम। कवच कुंटल दान किसने किए थे, कायने ने कवच कुंटल। जो वेतन लेकर काम करता हो उसे क्या कहते हैं, इसमें आया वेतनी। था तुलसीदास प्राण करके कहाँ बसना चाहते हैं, और इसके अतवा में था बाल कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या है, ठीक है। और गोप सुता पार्वती माँ से क्या वरदान मांगती है, सातवां क्वेश्चन। इसके अतवा ऐसी कौन सी संपत्ति है जो बेकरनी से बढ़ती है, आठवां क्वेश्चन है। कंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है, अथवा है कभी न पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को उपयोगी माना। धर अंधेरा से कवि का संकेत किस ओर है, अथवा जीवन को अपूर्ण क्यों गाया, ठीक है। और दसवा है दुष्यंत कुमार की गजलों की दो विशेषताएं, अथवा दिनकर ने जनता को जगाने के लिए किस का आह्वान किया। लेखक ने वीरों को कितने प्रकार बनाया, प्रकृति की दो सहज स्थितियां कौन कौन सी है। शिरीषि अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, बारवा क्वेश्चन। और अथवा है जननी और जन्मभूमि क्वेश्चन है, किससे अधिक अमरनाथ श्रेष्ठ। ने अपना लेख किसके विषय में लिखा था, अथवा विष्णु ने मंदिर को पूरा करने पर धर्मपद को क्या देने का वचन दिया। कवि निराला के अनुसार मानवता कहाँ से आती है, अथवा इसका अथवा इत्यादि शब्द क्या 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 कार्य करता है। 15वां, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लेख लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, अंधे की लाठी आग में घी डालना, अथवा था निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आकाश को छूने वाला, जहां चार रास्ते जाते हों। व्यंजन 16वां क्वेश्चन, व्यंजन शब्द शक्ति की परिभाषा, अथवा अपंतु अलंकार की परिभाषा है। 17वां, लेखक ने यौवन को जीवन का मक्खन क्यों कहा है, अथवा सुदकोर किस तरह दूसरों का शोषण करते हैं। 18वां, मधुर गुण की परिभाषा, अथवा कुंडलियां छंद की परिभाषा। 18वां क्वेश्चन था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, पंक्ति का भाव विस्तार, अथवा था वाक्य शुद्ध। मैंने अनेकों स्थान देखे हैं, सीता एक विद्वान छात्रा है, निरपराधी को दंड देना अनुचित है। 20वां प्रश्न था, रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर, अथवा उपन्यास की परिभाषा लिखिए, उपन्यास के तत्वों को लिखिए। भक्ति आंदोलन की चार विशेषताएं, 21वां प्रश्न, अथवा रीतिकाल के चार कवियों का नाम एवं इनकी एक एक रचना। 22वां प्रश्न था, तुलसीदास एवं सुदरपंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ये हैं।
और 23वां प्रश्न था आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा विष्णु प्रभाकर का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना था। ठीक है, पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी इसके ऊपर जीता और अथवा में ये क्वेश्चन आया था। और 25वां क्वेश्चन था गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना अथवा में था इसके ये वाला। ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़कर इसके क्वेश्चनों का आंसर चलो देना था। उक्त गद्यांश का शीर्षक तो जनसंख्या में चारों तरफ कौन सा संकट, चाहे बेरोजगारी का संकट और गरीब का संकट का विपत्ति और गरीब गरीब का निर्धन, गद्यांश का सारांश आप लिख सकते हैं। और 27वें क्वेश्चन में था अपनी सहेली मित्र को उसके जन्मदिन की पर बधाई लिखिए अथवा में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हो। ठीक है, और 28वें क्वेश्चन में आत वाला था कौन सा, निम्नलिखित विषयों के सिर्फ एक पर निबंध लिखिए, निबंध लिखना था। ठीक है, और बनाम मरकतम निम्नलिखित की एक रूपरेखा लिखनी थी मतलब। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।